बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेनिस क्रिकेट मुंब्रा में। आज के हमारे गेस्ट हैं महेंद्र कोमुरलेकर, जिन्होंने मुंब्रा क्रिकेट को आगे बढ़ाने में जिनका नाम हमेशा से ही लिया जाता है। मुंब्रा क्रिकेट के टैलेंट को गली गली से बाहर निकालने के लिए उन्होंने मुंब्रा में गली टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिस वजह से मुंब्रा क्रिकेट प्लेयरों को कम पैसों में एक अच्छे डिसिप्लिन वाली टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला और मुंब्रा के गली गली से क्रिकेट का टैलेंट बाहर आया और उन्होंने मुंब्रा के कई प्लेयरों को एक अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलने का प्लेटफॉर्म भी दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं महेंद्र कोमुरलेकर किस तरीके से हमारे T10 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। टेनिस क्रिकेट मुंब्रा में बहुत बहुत स्वागत है महीन भाई आपका। शुक्रिया महीन भाई, आपसे सबसे पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको घर में आपके क्रिकेट से रिलेटेड सपोर्ट कैसा रहा है? अभी मेरी उम्र 50 लगभग 50 है और 35 साल पहले की बात है। ये माहौल अच्छा था क्रिकेट में, मुंब्रा में काफ़ी सारे मैदान थे और गिने चुने लड़के क्रिकेट खेलते थे तो अच्छा माहौल था। मतलब मेरे माँ बाप ने अच्छा सपोर्ट किया था क्रिकेट खेलने के लिए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं कि मुंब्रा क्रिकेट को आगे ले जाने में आपका नाम हमेशा से लिया जाता है, सो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है मेरा नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लिए मैंने काफ़ी मतलब उम्र के हिसाब से काफ़ी योगदान दिया हूँ तो और लोगों का मतलब अच्छे अच्छे क्रिकेटरों को चुन कर आगे लाया हूँ, मेरा नाम लेते तो अच्छी बात है। तो आपको उस वक्त में और कौन ऐसा लगता है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था, क्योंकि आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे थे तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, ऐसा कोई आपको लगता है? उस वक्त मुंब्रा में मतलब बहुत पुराने क्रिकेटर थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट उस वक्त किया था। उसमें देखा जाए तो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे दोस्तों के और मुंब्रा छोड़कर भी गए, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था उस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं T10 क्वेश्चन विद महीन भाई। आपका सबसे पहला सवाल, जैसे कि मुंब्रा का सबसे फेवरेट टूर्नामेंट होता है गली क्रिकेट, सो जिस टूर्नामेंट की वजह से अच्छे प्लेयर्स को पहचान मिल रही है जिनको, सो वो टूर्नामेंट का आइडिया आपको कैसे आया था? देखो मुंब्रा में गली क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुंब्रा के लड़के लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते थे। पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था और दूसरी बात ये कि हर किसी को क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने नहीं मिलता, मतलब 100-200 रुपये की एंट्री रखो और 50,000 की प्राइज रखो तो ये बात नहीं होती थी। तीसरी बात ये कि मतलब उस वक्त बम्बई में काफ़ी क्रिकेट आगे बढ़ रहा था और सब जन पैकर में जमा करके क्रिकेट खेलते थे तो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो वार्ड होते हैं, छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ के जो 11-12 बच्चे होते हैं उनको चांस नहीं मिलता था कि हम फाइनल तक आए या हमारा टैलेंट दिखाए। तो उस गली क्रिकेट से मुंब्रा में काफ़ी अच्छे टैलेंट बाहर है तो मेरे एक सोच थी कि क्यों ना हम मुंब्रा में काफ़ी उस वक्त 100-100 टीम आती थी तो एक सोच थी कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो मौके के हिसाब से भी मैंने मेरे सब दोस्तों से डिस्कस किया कि हमें ये सब करना है, जिसमें शाकिर हुआ, प्रकाश यादव हुआ, बंटी हुआ, महमूद भाई हुआ, फैयाज हुआ, अजीम हुआ, मतलब काफ़ी लड़के थे, अकबर हुआ, ये इन लोगों ने इन लोगों को मैंने बोला देखो मेहनत तुमको करनी है और मुंब्रा का टैलेंट बाहर अपने को निकालना है। तो हमने वो गली टूर्नामेंट रखा, उसके बाद तभी तो गली क्या होती क्या नहीं क्या पता, लेकिन मुंब्रा के लड़के लोगों को डिसिप्लिन शूज़ पहनकर, ट्रैक टी शर्ट पहनकर और ग्राउंड के अंदर अब बाहर का कोई कमेंट ना हो वो हिसाब से खेले, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेलते हैं अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन और आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपका कोई एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर नहीं जाना पड़ेगा, ये सब डिसिप्लिन मैंने लाने की कोशिश की मुंब्रा और मुंब्रा के लड़के लोगों को दिखाया। आपका सबसे पहला क्रिकेटर फ्रेंड कौन रहा है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों में ही? नॉन प्रोफेशनल में मेरा बचपन का दोस्त है संग्राम पटेल, जो मतलब मैं साइकिल पे क्रिकेट खेलने जाता था वो मेरे पीछे बैठा रहता था और बैट उसके हाथ में और बचपन का एक फीलिंग थी वो अलग रहती,
वो मेरा बचपन का दोस्त था, और प्रोफेशनल में देखा जाए तो महमूद मुल्ला इज बेस्ट मैन, अच्छा विकेट कीपर था, अच्छा बैट्समैन था, और वो अच्छा सजेशन भी टाइम टाइम पे भी देता था, टाइम टाइम पे कभी पीछे आना कभी आगे जाना, मतलब अच्छा क्रिकेटर था। आपके वक्त के दो माइंडेड प्लेयर कौन थे? पुरानी बात है ये तो मुमरा की उस वक्त की, लेकिन आज भी वो बंदे मैदान में आते, आज भी वो बंदे मैदान में, जिसमें एक है शाकिर राजपुरकर, दूसरा है परवेज शेख, मतलब उनको इतना अच्छा माइंडेड थे कि वो क्रिकेट किस तरह, मतलब कौन से बॉलर को किस वक्त बॉल देनी चाहिए, कैसी फील्डिंग किस वक्त होनी चाहिए, किस तरह से क्रिकेट को अपन आगे लेके जाएंगे, अपनी टीम आगे जाएगी, ये तरीके उनको बराबर पता थे। कैलकुलेट क्रिकेटर खेला खेलते थे वो लोग। दो ऐसे प्लेयर जो जॉली बॉयज को काफी सपोर्ट करते थे? सपोर्ट करते थे मतलब सभी तो 11 के 11 या 15-16 जो जॉली बॉयज में खेलते थे वो सपोर्ट करते ही थे, लेकिन जॉली बॉयज की टीम में जिस तरह से बदलाव अचानक जो आया उसमें 3-4 प्लेयर तो मतलब अच्छे थे, जैसा कि फैयाज हो गया, बंटी हुआ, महमूद हुआ, बिलाल हुआ, प्रकाश यादव हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन में जॉली बॉयज का नाम हो गया आगे, और उसमें जावेद कुरैशी का भी योगदान काफ़ी बड़ा है। ये प्रोफेशनल में जो आज जावेद कुरैशी का नाम है, जावेद कुरैशी की मेहनत है जॉली बॉयज में। आपके नज़र में टेनिस क्रिकेट का सबसे बेस्ट अंपायर कौन है? वो कल्याण के अंपायर है, अभी दो जन मेरे अच्छे परिचित है, जिसमें से एक का नाम मुझे आज याद है पर काजी अजहर काजी करके, और उनका एक दोस्त था, मतलब कोई प्रेशर नहीं, अंपायरिंग करने का तो अंपायरिंग ही करना, लेग बिफोर देने का तो लेग बिफोर है तो देने का, तो कोई पार्शियलिटी नहीं, और सामने वाला बैट्समैन कितना भी बड़ा होने दो, बॉलर कितना भी बड़ा होने दो, जो डिसीजन अंपायर का है वो ही देने का, मतलब उनको मानता हूँ मैं, उनकी अंपायरिंग मैंने देखा। दो बेस्ट ऑलराउंडर मुमरा के? अभी देखो ऐसा है कि मुमरा के दो बेस्ट ऑलराउंडर बोलना मुश्किल है, 3-4 लड़के लोग हैं जो मतलब सही में अगर वो एक टीम में रहे, और मेरे ख्याल से कोई प्रोफेशनल टीम उनको हरा नहीं पाए, जैसे कि बंटी है, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग, किस्मत का अकबर है, अच्छी फील्डिंग अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग, लेफ्ट हैंडेड है, जावेद कुरैशी है, अकबर जो जॉली बॉयज का अकबर है, मतलब ये चार जन अगर एक टीम में रहे तो हारना मुश्किल। तो इनमें से अगर किसी दो बेस्ट को चुनना हो तो किस्मत का अकबर और जॉली बॉयज का बंटी। आपने देखे हुए मुमरा क्रिकेट से दो बेस्ट फील्डर कौन है? मेरे हिसाब से फैयाज शेख और मलिंगा अच्छी फील्डिंग, दोनों को बाउंड्री पे रखो तो बाउंड्री जाना मुश्किल था। आपके वक्त में ऑल ओवर थाने से 5 सबसे अच्छे क्रिकेटर कौन रहे हैं? मेरे टाइम पे जी, आपके एरा में। अच्छा, मेरे टाइम पे तो नवतरुण का गणेश था, फिर मुमरा 11 का पंडू था, हनुमान था, अच्छा हनुमान अच्छा बॉलर था, नवतरुण का गणेश अच्छा बॉलर था, जलील डोंगरे था कौशा का, इब्राहिम था, मतलब ये अच्छे क्रिकेटर थे, इनको आप कह सकते हैं कि भाई अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। आपने 90s में भी क्रिकेट खेला है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि 90s का क्रिकेट चैलेंजिंग था या फिर अभी करंट क्रिकेट? 90s के क्रिकेट में हमारा बॉल था और SLV की बैट थी, अभी का क्रिकेट में चैलेंजिंग क्रिकेट, ताकत का क्रिकेट, दिमाग का क्रिकेट है, बॉल भी नहीं, आपको इतना 1-1 किलोमीटर तक बॉल जाता है और इतनी हल्की बैट आई है कि मतलब जिसमें दम हो वो मार सकते हैं आग पार, अभी का क्रिकेट चैलेंजिंग है। आपका सबसे आखिरी सवाल, टेनिस क्रिकेट का कोई ऐसा रूल हो जिसे आप चेंज करना चाहोगे या फिर कोई न्यू रूल्स लाना चाहोगे आप टेनिस क्रिकेट में? सुपर ओवर लाना चाहूँगा, जिसका जो मैंने एक बार मतलब आमदार चेचक में रखा था सुपर ओवर, और मतलब ऑल ओवर थाना डिस्ट्रिक्ट की टीम को इतना मज़ा आया था उस सुपर ओवर में,
कि मतलब उसमें बॉलर का भी टैलेंट देखा जाता है, बैट्समैन का भी टैलेंट देखा जाता है और फील्डर का भी टैलेंट देखा जाता है कि आप आउट करो आपको 3 रन मिलेंगे या 5 रन मिलेंगे, माइनस आप बाउंड्री मारो तो डबल हो जाएगी, रन भागो डबल हो जाएगा, वो फील्डिंग का चैलेंज बैट्समैन का चैलेंज, मतलब मजा आता है क्रिकेट में मजा आता है। तो जैसा कि हमने देखा महिंग भाई, आपने सारे 10 सवालों का बखूबी आंसर किया है। सबसे आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आपने क्रिकेट को इतना प्रमोट किया है, यहाँ तक आपने क्रिकेट को लाया है, स्पेशली मुंबरा के क्रिकेट को, सो आपका क्रिकेटर का क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में? इंटरनेशनल में भी और अगर टेनिस क्रिकेट से देखा जाए तो? टेनिस क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर मेरा तो आइडल रहा है। मतलब मेरे जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट स्टार्ट किया खेलना तो भी मेरा यंग स्टेज था, और टेनिस क्रिकेट में तो आइडल मैं मुंबरा के क्रिकेटरों के सिवा किसी को मानते हैं, क्योंकि मैं मेरा एक पहले से ऐसा स्वभाव रहा है कि मुंबरा का नाम बाहर के क्रिकेटर अदब से ले। आज जो आज मुंबरा के क्रिकेटर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो पैसा मिलता है उनको, और आज के टेनिस क्रिकेट में काफ़ी अच्छा पैसा है, आप अगर अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। जाते जाते महीन भाई, हमारे व्यूवर्स और यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मुंबरा क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट मुंबरा जो आपने जो चैनल शुरू किया है काफी बहुत अच्छा काम किया है, कि जो क्रिकेटर्स है टेनिस के जो क्रिकेटर्स है जिनके दिल में कुछ बातें रहती है, मन में कुछ सोचते है और किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहते है, किसी के बारे में कुछ बोलने का उनके मन में बात रह जाती है, वो आपके माध्यम से वो उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और आपका जो टेनिस क्रिकेट चैनल से उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो और आपके व्यूअर्स बढ़े, आपको प्रोत्साहन मिले, जितना हो सकता है मैं क्रिकेटरों से निवेदन करता हूँ कि आप इनको मदद करें। थैंक यू वेरी मच महीन भाई, आपने क्रिकेट को प्रमोट करने के रीजन से टेनिस क्रिकेट मुंबरा के साथ जुड़ने का फैसला लिया। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा, ये थे महेंद्र कुमुरलेकर। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप ऑल ओवर ठाणे टेनिस क्रिकेट से या ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट से कौन से प्लेयर को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।